थे कि फोटो हवा में सच में थी, मैं यही में पड़ी हुई थी अर्जी के ऊपर, वो फोटो वाला सब कुछ यही में था। दामिनी है कोई इसमें भरोसा करता नहीं, उसने इतने बार इतना रायता फैलाया, इतना झूठ बोला है, इतने कांड किया कि अब कोई भी फैमिली में उसकी माँ के अलावा कोई उस पर विश्वास करता नहीं है। दामिनी ने देखा अपनी फोटो पे माला, क्या तुलसी ने की दामिनी को डराने की कोशिश। तुलसी से बात नहीं हो पा रही राधा की, प्यार का पहला नाम राधा मोहन सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि आधी रात में दामिनी ने जगाया सभी घर वालों को, मोहन का हाथ पकड़ के ले गई हॉल में और कहने लगी कि मेरी फोटो पे माला थी और तुलसी की फोटो हवा में उड़ रही थी। मोहन ये सब जान काफी कंफ्यूज हो जाता है। वही दामिनी की ये सारी बातें जान के सभी घर वाले दामिनी पे हंस पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि दामिनी पागल हो गई है। सभी घर वालों को दामिनी की कोई भी बात पे विश्वास नहीं आता क्योंकि पहले भी दामिनी ने घर में बहुत झूठ बोले हैं और कांड भी किए हैं। ऐसे में मोहन दामिनी को अपने कमरे तक छोड़ने जाता है और सभी लोग चले जाते हैं कमरे में। राधा वही हॉल में खड़ी रहती है और तुलसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी कोई भी जवाब नहीं देती और राधा कहती है कि बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही तुलसी से, आखिर आप कहाँ चले गए हो। केस अभी तो फिलहाल पूरी फैमिली में से किसी को नहीं पता कि दामिनी जो भी कह रही है सच कह रही है या नहीं। फिलहाल दामिनी ये कह रही है कि हमारे हॉल पर अर्थी पर वो लेटी हुई थी, उसके ऊपर वाइट चादर था, उसकी फ़ोटो पे माला थी, उस पर माला आ गई थी, बिल्लियाँ थी, बिल्ली थी एक ब्लैक कलर की, और किसी ने उसके सर पे मारा था, तुलसी की फ़ोटो आ गई वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ बोल रही है। अब क्योंकि दामिनी है कोई इस पर भरोसा करता नहीं, क्योंकि उसने इतने बार इतना रायता फैलाया, इतना झूठ बोला है, इतने कांड किया कि अब कोई भी फैमिली में उसकी माँ के अलावा कोई उस पर विश्वास करता नहीं है। तो बिल्कुल वही हो रहा है इस बार भी, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मोहन उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे लेकर जाते हैं और पूरी फैमिली हंस रही होती है, पर कहीं ना कहीं राधा को ऐसा लग रहा है कि शायद ये तुलसी ने किया है। और जब वो तुलसी को बुलाती है तो उससे कोई जवाब नहीं मिलता और काफ़ी दिन से तुलसी लापता भी है, तो कोई जवाब नहीं दे रही है राधा, रिस्पांस नहीं मिल रहा है राधा को तुलसी की तरफ से। तो अब समझ नहीं आ रहा है राधा को कि आखिर ये सब कुछ हुआ है तो किसने किया है, क्योंकि राधा को क्लू भी मिला है कि एक वहाँ पर एक फ्लावर भी था और बैंड इसका टुकड़ा भी था, बैंडेज का टुकड़ा, तो उसे लग रहा है कि आखिर ये सब किया किसने है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो राधा को कुछ पता नहीं क्या करेगी, तुलसी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, पर अब पता नहीं आगे क्या हो रहा है, हमें भी कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। मेकअप का एक बार दीपक जी से मैं बात, वेल आपका क्या कहना है इस अपकमिंग एपिसोड के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और टेलीविजन से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए बॉली तड़का 24 चैनल को सब्सक्राइब करें।